फाइन फॉर जीके पर जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। वेलकम फाइंडर्स, आप देख रहे हैं फाइन फॉर जीके। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं असम के बारे में सामान्य जानकारी। अगर आप भी इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इसे कम्प्लीट जरूर देखें। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। और आप हमारे जीके के ऐप को भी डाउनलोड जरूर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम का कुल क्षेत्रफल 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल के आधार पर असम भारत का 16वां सबसे बड़ा शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार असम की कुल आबादी 3,11,69,272 थी। जनसंख्या के आधार पर असम भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। असम का घनत्व 397 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। असम में जिलों की संख्या 33 है। जनसंख्या के आधार पर असम का सबसे बड़ा जिला नगांव है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर असम का सबसे छोटा जिला माजुली है। क्षेत्रफल के आधार पर असम का सबसे बड़ा जिला कार्बी आंगलोंग है। क्षेत्रफल के आधार पर असम का सबसे छोटा जिला दक्षिणी सिलमारा मंगाचर जिला है। असम की आधिकारिक भाषा असमिया है। असम का राजकीय पशु एक सिंह वाला गैंडा है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम की राजकीय नदी का दर्जा प्राप्त है। असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई थे। असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई के पिता तरुण गोगोई के नाम दर्ज है। वह 5,485 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। असम के 14वें तथा वर्तमान के मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल है। भारत की आजादी के बाद असम के पहले राज्यपाल मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी थे। असम के वर्तमान तथा 33वें राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना असम के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे जीके के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जल्द। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।